भारत के अधिकांश घरों में तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है और हमारे ऋषि मुनियों को लाखों वर्ष पूर्व तुलसी के औषधि गुणों का ज्ञान भी था, इसलिए इसको दैनिक जीवन में प्रयोग हेतु इतनी प्रमुखता से स्थान दिया गया है। बता दें कि तुलसी के आयुर्वेद में विभिन्न प्रकार के फायदे हैं। आइए जानते हैं आयुर्वेद डॉक्टर चंद्र प्रकाश दीक्षित से तुलसी के बारे में कि तुलसी हमारे शरीर के लिए किस प्रकार फायदेमंद है। हमारे जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है, हम कैसे स्वस्थ रहें, और मैं देखता हूँ कि हमारी जो 6 ऋतुएं होती हैं, 6 ऋतुओं के हिसाब से जब मौसम परिवर्तन होता है तो हम तमाम तरह के रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। तो इस तरह के मौसम में हमें सावधानी रखनी चाहिए। तो अब सर्दियों का मौसम है, लोगों को जुकाम, खांसी, पसलियों में दर्द, पसली चलना, इस तरह से शिकायतें रहती हैं। ऐसे मौसम में हम भारतीय वासियों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इर्द गिर्द रहती हैं और आसानी से मिल जाती हैं, जिनमें तुलसी का विशेष महत्व है। तुलसी हम भारतवासियों के लिए एक पूजनीय पौधा है और पूजनीय होना भी चाहिए, क्योंकि इसकी उपयोगिता हर दिन, हर समय, हर व्यक्ति के लिए रहती है। मैं तुलसी के बारे में जो बताना चाहूँगा, ये सर्वसुलभ औषधीय पौधा है और ये सभी जगह आसानी से उगाया भी जा सकता है। थोड़ी सी मिट्टी मिल जाए, उसमें 2 किलो मिट्टी में इसके बीज डालने पर, इसकी जो मंजरी आती है वो डालने पर ये आसानी से उगी जा जाती है। इसका जो औषधीय उपयोग है ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। मैं बताऊं, इसमें एंटीपायरेटिक अर्थात बुखार जैसी स्थिति बने तब उसमें फायदा करते हैं, एंटीबायोटिक का काम करती है, एंटीवायरल का काम करती है, एंटीफंगल मेडिसिन भी है। इस तरह के औषधीय द्रव्य ये हमारे भारतवासियों में 2 तरह का पौधा होता है, एक श्यामा तुलसी कहते हैं, एक श्वेत तुलसी कहते हैं। श्यामा अर्थात जो कालमा लिए हुए जो हरित पत्ते होते हैं तो उसको काली तुलसी के रूप में जानते हैं, और जो श्वेता जो हरे रंग की होती है उसको श्वेत तुलसी के रूप में कहते हैं। और इसका जो पौधा है ये 1 फुट से लेकर के 3 फुट के में मिल जाता है। इसके पत्तों का जो उपयोग है वो 2 पत्ते से लेकर 10 पत्तों तक आप आसानी से उपयोग कर सकते हैं। इसका रस निकाल के शहद के साथ ले सकते हैं, तुलसी का रस, अदरक का रस और शहद मिलाकर जुकाम, कफ, खांसी में ले सकते हैं। अपन चाय लेते हैं, जैसे सर्दी लग गई तो चाय में डाल के ले सकते हैं, दूध के साथ ले सकते हैं, और इस तरह से इसका कई तरह से और अन्य औषधियों के साथ भी हम उसका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। इसका कोई किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं है, मधुमेह रोगी हो या किसी तरह के रोगी उसमें ले सकते हैं, लेकिन गर्भवती महिलाओं को थोड़ा सा लेने में सावधानी रखनी चाहिए। मैं आयुर्वेद विभाग से वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर चंद्र प्रकाश दीक्षित, DMS अर्थात डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट राजकीय आयुर्वेद योग प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय भरतपुर। धन्यवाद।